यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, सुनसान रोड है, सब खेती खेती है। ये चीनी चाय पत्ती खाली चाय रखी है हमारे पीयूष भाई ने। ये भाई आए हमारे पास और बोले कि आज की सेवा हमें दे। हमें बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे आके खाना भी अच्छा मिला। जय श्री राम दोस्तों, जय जलाराम बापा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और अभी सुबह के बज चुके हैं 8 और अभी आज हम लोग ने थोड़ा कम काटा, 20 किलोमीटर ही काटा है। अभी उठ गए थे 3:30 बजे, लेकिन थोड़ा सा फ्रेश होने में 4:15 बज गया हमारा। और आज थोड़ा लेट चालू किया पद यात्रा, जहाँ पे कल हम लोग रुके थे वहाँ पे रहने की सुविधा और खाने की सुविधा बहुत ही अच्छी तरीके से हुई थी हमारी। कल रात की बात करो तो खाने में खिचड़ी थी, कढ़ी थी, सब्जी थी और गरम गरम रोटी बना के दी और सीरो भी था। खाने में अच्छा हमारे लिए व्यवस्था किया उन लोगों ने, सोने के लिए भी गद्दे और चादर सब मिल गए हम लोगों को। और आज थोड़ा ठंडी है, हम लोग गांव से गुजर रहे हैं तो अभी तक हम लोग गांव में ही है, तो आज भी चलने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से चल रहे हैं हम लोग। पापा के आशीर्वाद से कुछ होना भी नहीं चाहिए, आगे भी ऐसे ही चलते रहना चाहिए हम लोगों को। तो सपोर्ट करते रहे गाइस, प्यार देते रहे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। अभी यहाँ का लोकेशन आपको दिखाता हूँ, तो ये बड़ी बड़ी खेतें हैं यहाँ पे आगे। सब लोग अभी सुबह सुबह गांव का एरिया है, तो सब लोग काम करने के लिए आ चुके हैं। और ये साइड दिखाऊँ तो लोकल हाईवे है, वो साइड भी पूरा खेती है, आजू बाजू दोनों खेती है। और ये हमारा राज भाई और वो मितेश भाई आगे चल रहे हैं, और हमारी जो गाड़ी थी वो आगे चली गई है। तो देखो ये गांव से हम लोग गुजर रहे हैं और गांव का सुबह सुबह का जो मौसम है बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है। ये रास्ता भी नया बनने जा रहा है। और गाइस बात करो तो आज हम लोग ने चाय नाश्ता एक ही बार किया है, वो भी हम लोग ने खुद चाय बनाया, क्योंकि गांव से जा रहे हैं हम लोग तो गांव में इतने बजे कुछ मिलता नहीं है, दुकानें सब बंद थी, चाय नाश्ते वाली दुकान नहीं थी। और ये देखो बुलेट गांव की गाड़ी में नाश्ता था, तो नाश्ता किया। गांव का सुबह सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी आपको मेरा फेस और बाल बराबर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि स्वेटर का जैकेट का मैंने टोपी पहना था ऊपर, तो बाल थोड़े से मेरे जो है ऐसे हो गए। और अभी आप लोगों को फ्रेश नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सुबह सुबह चलते हैं तो थोड़े फ्रेश नहीं रहते हम लोग, लेकिन सुबह सुबह उठ के फ्रेश हो जाते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो अभी हाथ में पानी की बोतल और ये मेरा लकड़ी, अभी मैं चल रहा हूँ। अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हम लोग, तो मैं मिलता हूँ सीधा दो पैर की स्टॉप पे। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो शेयर भी कर देना और सपोर्ट करते रहना। सभी को जय श्री राम, जय जलाराम बापा। शाम को बताऊंगा टोटल कितना किलोमीटर काटे हम लोग, मिलते हैं वापस दोपहर के स्टॉप पे, या फिर बीच में अच्छा सा लोकेशन मिल जाता तो वहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे वापस हम लोग चाय नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ का वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे जो बैठने की जगह है देखो देसी वाली है, क्या मस्त है, खटिया बटिया रखने का। और ये सामने जो है ये सोफा सिस्टम है, देखो सोफा सिस्टम है सामने, क्या खटिया मस्त रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो लिया। ये हमारे आगे कचौरी और ये हमारी चाय, कचौरी ले गए, टेस्ट कर तू सुपर सिस्टम। देखो राज चलतो है तो वही बीच एक है मैं खाइयो, हेलो मस्त ना, टी-शर्ट भी बदल दिया देखो, आज दूसरा वाला टी-शर्ट पहना। अभी कचौरी टेस्ट करते हैं,
कचोरी को बता कचोरी कैसी है? 25 तारीख है कैसी है? अच्छी लगी। चलो थोड़ा चाय पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, मिलते हैं बाद में। दोस्तों जय सियाराम, जय जलाराम बाबा। अभी हम लोग दोपहर का स्टॉप जो हमारा कोटरा गाँव में है, वो यहाँ पे ये भाई ने हमें आज यहाँ रहने की सुविधा, नहाने की सुविधा और ये जो भोजन की व्यवस्था की है, ये भाई की ओर से आई है और पंजी भाई बरवार की ओर से हमें ये सब सुविधा मिली है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। और आज का स्टॉप है हमारा 11:30 बजे। ये भाई आए हमारे पास और बोले कि आज की सेवा हमें दे, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। खाना भी अच्छा खिला, ऐसा है कि भाई जो मतलब की सेवा की है तो कुछ भी खिला, तो ऐसा है हमें कुछ के खिलाया, अच्छा है। खाना भी एकदम फ्रेश खिलाया और बहुत ही हमें अच्छा लगा। ये सबको पूछते हैं हम लोग कैसा लगा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया खाना, एकदम खाना, हमें बहुत ही खिलाया खाना और वैसा नहीं कुछ खिला दिया, ऐसा है वैसे नहीं, अच्छा खिलाया खाना। और हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे जो सेवा मिली है हमें, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। और ये भाई ने बोला है कि ये लोग भी पद यात्रा के लिए जाते हैं, 20 साल से जा रहे हैं द्वारका, 20 साल से लोग भी जाते हैं। और होटल का नाम है जय द्वारकाधीश होटल, तो आप लोग भी यहाँ पे एक बार मुलाकात लें अगर जाते हैं तो। होटल नाम का नाम है दंदुका के पास है, ये वाला हाईवे के पास, तो अभी एक बार मुलाकात ले, अच्छे है और खाना भी अच्छा खिलाया। जय श्रीराम दोस्तों, जय जलाराम। तो गाइस वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, होटल में खाना की सुविधा जो भाई ने की थी, यहाँ पे रहने के लिए उसी ने सुविधा दी। तो यहाँ पे देखो कपड़ा सूखने के लिए हम लोग ने डाल दिया और बहुत ही अच्छे यहाँ पे सोने की सुविधा हम लोगों को दी गई है और खाना भी बहुत ही अच्छा खिलाया उसको। उस भाई को दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग आराम करने के लिए बैठे हैं। एरिया बहुत ही बड़ा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे नहाते हैं, वहाँ पे कपड़े धुले करके सूखने के लिए डाल देते हैं, तो यहाँ पे कपड़े धुले करके सूखने के लिए डाल दिया। और यहाँ पे हम लोगों को आगे ये जो गाड़ी खड़ी है उसके पीछे नहाने के लिए जगह मिल गई थी और अभी यहाँ पे हम लोग सोए हैं। वो भाई बोल रहा था होटल में, लेकिन होटल में हम लोग ने मना किया, यहाँ पे पेड़ के नीचे बहुत ही अच्छी हवा आ रही है, यहाँ पे रुकिए। तो चलो मिलते हैं सीधा रास्ते के अच्छी लोकेशन पे या फिर शाम के स्टॉप पे। जय श्री राम, जय जलाराम बापा। सपोर्ट करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जय जलाराम बापा जरूर से लिखें। जय श्री राम दोस्तों, जय जलाराम बापा। जहाँ पे दोपहर का स्टॉप लिया था वहाँ से हम लोग ने पद यात्रा वापस चालू कर दी और अभी बज रहे हैं 4:04 और आज हम लोग ने 2:30 बजे चालू कर दिया था। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ, ये है कपास की खेती, देखो ये कपास की खेती। तो अभी हम लोग चल रहे हैं रास्ते पे, वो दोनों जा रहे हैं आगे। और मैं चल रहा हूँ पीछे और थोड़ा आज हम लोग ने जल्दी वापस चालू कर दिया, चलना मजा आ रहा है गाइस। पापा का आशीर्वाद है, आप लोगों का सपोर्ट है और क्या चाहिए हमें, सपोर्ट करते रहे, प्यार देते रहे और दुआ करते रहे कि जल्दी से हम लोग पहुँच जाए। वापस आप लोगों को बता दूँ कि तारीख 15/2/2024 है, 24 से हम लोगों ने वापिस से वीरपुर पद यात्रा शुरू की थी वापिस सलोह गांव से और आज तारीख हुई है
22/2/2024 और हम लोग भावनगर वाले रास्ते पे चल रहे हैं। धूप बहुत लग रही है, 4 बज गया फिर भी सूरज सर पे है। देखो तो धूप बहुत है, पानी के बोतल हाथ में है, अपना लकड़ा हाथ में है। अभी सब लोग ठीक ठाक है, किसी को कोई छुआ नहीं है, आगे भी नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, शाम को कितने बजे स्टॉप लगे, कहाँ पे स्टॉप लगे, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। कितना किलोमीटर काटा आज वो भी बताऊंगा। तो प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करते रहे। तो मिलते हैं सीधा शाम के स्टॉप पे। जय सियाराम, जय जलाराम बापा। वापस आज ब्रेक ले लिया बीच में। ए हमारे पीयूष भाई यहाँ पे चाय रखा है, देखो अंदर काला वाला चाय रखा है, काला वाला देखो चाय, देखो आधे घंटे से चाय रखा है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। मसाला भूल गया था, बोल रहा चाय का मसाला, चाय का मसाला भूल गया। उधर गाड़ी खड़ी है हमारी, चाय का मसाला नहीं मिला। अरे खेती में हम लोग मस्त वरियाड़ी था, वरियाड़ी है। देखो देखो ऐसा सो रहा था, ऐसा आता है थोड़ा थोड़ा गुजराती न, थोड़ा थोड़ा हिंदी, जलवा ऐसा आता है। आजो तो आज थोड़ा ज्यादा ब्रेक ले रहे हम लोग, चाय पिएंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे। यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, सुनसान रोड है, सब खेती खेती है, चाय के दुकान नाश्ते की दुकान किसी की नहीं है। तो हमारे पीयूष भाई ने यहाँ पे चाय रखा, गाड़ी में पानी वानी सब है। ये हमारा छोटा सा सिलेंडर, ये हमारा नाश्ता बिस्कुट, ये चीनी चाय पत्ती, काली चाय रखी है हमारे पीयूष भाई ने। 5 किलोमीटर पहले बोल जाता कि चाय ठंडी हो रही है, यहाँ पे आके देखा था चाय तो अभी तक बनी भी नहीं है। तो चलो चाय पीते हैं हम लोग यहाँ पे, थोड़ा आराम करते हैं, फिर निकलते हैं, शाम के स्टॉप पे मिलते हैं। जय सियाराम। गाइस जहाँ पे स्टॉप लेना वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये होटल है, जय होटल, जय भवानी करके होटल है। जो दोपहर को हमको रहने की सुविधाएं दी थी और खाने के लिए दिया था, उसी भाई ने हमें यहाँ पे सेटिंग करके दिया होटल। ये देखो, और आज का टोटल हम लोग ने 51 किलोमीटर काट लिया है यहाँ तक का सफर पद यात्रा का। और इस होटल में खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था होटल वाले की ओर से मिल गई हमें, उस भाई के थैंक यू, धन्यवाद। ये देखो खटिया वटिया सब मिल गया हमें। तो आज यहाँ पे हम लोग रुके भी, इस पे मना चालू कर दिया। देखो बहुत थक चुके हैं गाइस आज हम लोग, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये होटल है, बहुत बड़ी होटल है, वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्किंग कर ली है। उसके बाजू में CNG वाला था तो CNG गैस भी भरवा लिया हम लोगों ने। अभी स्प्रे मारना पड़ेगा सबको। और ये मेडिकल भी हम लोग एक एक लेने पड़ी थी, एक मेडिकल लेने पड़ी थी। बहुत थक चुके हैं गाइस, बहुत थक चुके हमने। रात के 8:10 हो चुके और हम लोग इस वाली होटल में रहेंगे। बोटड़ा गांव में आज रुकेंगे हम लोग, फिर यहां से शुरू करेंगे कल का सफर। गाइस आज के लिए बस इतना ही, घर से कितना किलोमीटर काटा वो कल मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा दोपहर को। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, खाना रेडी है इधर, और बहुत लेट हो चुके हैं। अभी पैर में मालिश भी करने वाले हैं हम लोग, तो पैर में मालिश करने के बाद सोएंगे हम लोग। तो गाइस सपोर्ट करते रहे, प्यार देते रहे, कमेंट में जय श्री राम, जय जलाराम बाबा लिखे, वीडियो शेयर करते रहे। तो आप सभी को जय श्री राम, जय जलाराम।